वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाव गांव में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्ष में रास्ते के विवाद के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। बुजुर्ग के द्वारा आग लगाने की घटना को दूसरे पक्ष के द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फूलपुर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मुंशीघाट मोहल्ले में गली में स्थित साड़ी की गद्दी में शनिवार की शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, इससे अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मकान में रहने वाले लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया, वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिविल जज शक्ति सिंह द्वितीय की अदालत ने भीलपुर थाना क्षेत्र में 1.40 करोड़ की डकैती के मामले में नामजद 7 पुलिस कर्मियों को फरार घोषित किया है। कोर्ट ने आरोपितों की कुर्की की घोषणा को उनके मकान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के 30 दिनों के अंदर आरोपित हाजिर नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। शहर भर में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए 68 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। वाराणसी के 68 सेंटरों पर प्रारंभिक पात्रता परीक्षा शनिवार को हुई। शनिवार और रविवार यानी कुल 2 दिन यह परीक्षा चलेगी, जिसमें शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाया गया। वहीं यूपी एसटीएफ की टीम ने इस दौरान एक मुन्ना भाई को भी पकड़ा, जो ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करा रहा था। शरद पूर्णिमा के दिन लग रहे चंद्रग्रहण ने रामलीला के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस बार किले में आयोजित होने वाला मुख्य स्वरूपों का विदाई समारोह रात की बजाय दिन में आयोजित हुआ। कोर्ट विदाई के नाम से मशहूर ये आयोजन रामलीला का हिस्सा नहीं होता, लेकिन रामलीला प्रेमी इसे भी भगवान के आतिथ्य समारोह के रूप में लेते हैं, क्योंकि सारे मुख्य स्वरूप लीला की वेशभूषा में होते हैं और उनका आतिथ्य खुद कुंवर अनंत नारायण सिंह समेत राज परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। हर साल ये आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन होता है। महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरकारी विभागों सहित अन्य लोगों को भलीभांति देने के उद्देश्य से वाराणसी के सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से किया गया। कार्यशाला के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशला शर्मा ने कहा कि यहां पर उपस्थित 4 जनपदों से आए हुए लोगों को महिला कल्याण से जुड़ी हुई चीजों की बारीक से बारीक जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें कानूनी जानकारी के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। मंडल्स में एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हम जो मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जो हमारी स्कीम्स हैं उसमें सारे विभागों को लेकर हम एक उनको अवेयरनेस की वर्कशॉप है कि जिसमें महिलाओं के लिए बच्चों के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, उसको हम कैसे बेटर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसी बात को लेकर हम सारे मंडलों में वर्कशॉप कर रहे हैं। और आज हमने वाराणसी में उसी तरह की एक वर्कशॉप आयोजित की। देखिए, जैसे मिशन वात्सल्य में हम लोग अंडर 18 जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, शेल्टर होम्स हैं, उसमें रहते हैं। महिलाओं के लिए हम लोग महिला शरणालय चलाते हैं, संरक्षण गृह चलाते हैं। तो जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, हम उन्हीं का प्रचार प्रसार विभागों से ये चाह रहे हैं कि आम जनता तक ये पहुँचे। और हमारा जो भी यहाँ पर जो बच्चे पीड़ित हैं या जो महिलाएँ पीड़ित हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट हम इस वर्कशॉप के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें स्पॉन्सरशिप, मिशन वात्सल्य में स्पॉन्सरशिप की स्कीम है। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जिनके पास इतना पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है कि उनको स्कूल भेज सकें, तो उन बच्चों को हमें टारगेट करना है। उन बच्चों को हम 4,000 रुपये पर मंथ देंगे, जिनसे वो बच्चे अपनी एजुकेशन को जो है आगे कंटिन्यू कर सकें। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान आरजी लाइन विकास खंड क्षेत्र के पनियरा स्थित रिन्यू सीएसआर द्वारा निर्मित ईडू हब के स्क्वैश कोर्ट में शनिवार को 3 दिवसीय जिला स्तरीय स्क्वैश खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एमएलसी व भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। काशी के नवमंडल में शनिवार की शाम बांस की टोकरियों में आकाश दीप जगमगाने लगे। एक ओर शरद पूर्णिमा की चांदनी चटक हुई, तो वहीं दूसरी ओर दशाश्वमेध घाट पर शहीदों की याद में बांस के पोरों पर आकाश दीप जलने शुरू हो गए। बांस की डलियों में टिमटिमाते दीप चंद्रहार की मानिक झिलमिला रहे उठे।
गंगोत्री सेवा समिति की ओर से लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले पुलिस एवं पीएससी के 11 शहीदों की स्मृति में आकाश दीप जलाए गए। गंगा की मध्य धारा में भी दीपदान किया गया। जैसा कि आपको बताया, विगत 3 दशकों से गंगोत्री सेवा समिति हर वर्ष अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस व पीएससी के शहीद जवानों के निमित्त आकाशदीप का प्रज्वलन करती है। आज वही कार्यक्रम हम लोगों ने संपादित किया, जिसमें 34वीं वाहिनी और 36वीं वाहिनी के बैंड के लोग भी यहाँ मौजूद है, जो अपने बैंड के द्वारा वीर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। और गंगोत्री सेवा समिति में कई लोग हमारे रूप में आए हुए थे, पंडित किशोरी रमन दुबे बाबू महाराज जी व कन्हैया त्रिपाठी जी के द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि हमारे शहर की या हमारे घरों की जो सुरक्षा करते हैं पुलिस कर्मी और पीएससी कर्मी, उनके निमित्त समाज उनको भी याद करे। जैसे हम अपने पूर्वजों के नाम से आकाशदीप जलाते हैं कार्तिक मास पर्यंत, उसी तरीके से हम उन शहीदों के नाम से आकाशदीप जला रहे हैं, जिनके आत्मा की शांति के लिए हम पूरा एक महीना माँ गंगा के तट पे अश्विन मास से कार्तिक पूर्णिमा तक उनका नाम का दीप जला के उनको मुक्त प्रदान करने की भगवान से कामना करते हैं। चंद्रग्रह की वजह से शनिवार को काशी के सभी मंदिरों के कपाट आरती के बाद बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने से पूर्व विभिन्न मंदिरों में विधि विधान के साथ आरती किया गया, जिसके बाद मंदिर परिसर में भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि अब मंदिर कल सुबह अपने निश्चित समय पर खोला जाएगा। धर्म शास्त्र के अनुसार जो है 9 घंटा पहले सूतक लगता है, और इसका स्पर्श जो होता है 1:05 से लेकर के 2:24 तक होता है। इसे में जो है ये होता है कि बालक और वृद्धा, और जो है इसमें जो है भोजन निषेध है, और क्या कहता है इसमें देवी देवताओं का आराधना जब तक इसके लिए सिद्ध पर्द होता है, और इसके बाद जो है इसके लिए दान किया जाता है। धर्म की नगरी काशी में नित्य संध्या होने वाली माँ गंगा की आरती शनिवार को दोपहर में हुई। 32 वर्ष में ये चौथा मौका था जब माँ गंगा की आरती दोपहर में की गई। इसकी वजह देर रात लगने वाला चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल होता है, और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। यही वजह है कि धर्म की नगरी काशी में माँ गंगा की आरती को सूतक काल से पहले संपन्न कराया गया। देखिए, आज जो है वो रात्रि कालीन 1:03 से लेकर 2:23 तक चंद्र ग्रहण है, और सूतक काल जो है वो 4:03 से सूतक काल लग जा रहा है। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि सूतक काल में और ग्रहण में कोई भी पूजा पाठ का काम नहीं होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये 32 वर्षों में चौथी बार ऐसा हो रहा है कि जबकि माँ गंगा के आरती का जो समय है उसका परिवर्तन हुआ है, दोपहर 2:30 से होकर 3:30 तक आरती संपन्न हो जाए, ताकि सूतक काल से पहले पहले सारी चीजें अपने परंपरागत रूप से जिस तरीके से होता है उसी तरीके से संपन्न हो जाए। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडप्पीटू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडप्पीटू मुंबई रेस्टोरेंट वाराणसी।